हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने मित्र और जीके 2020 के यूट्यूब क्रिएटर शशिकांत का छोटा सा इंटरव्यू आप सबों के सामने लेकर आया हूं। उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्जाम को निकाला है। आज इन्हीं से जानते हैं कि इतने सारे कम्पिटेटिव एग्जाम निकालने के पीछे क्या रणनीति रहा है। आप अपने बारे में कुछ बताइए शशिकांत जी। मेरा नाम शशिकांत सक्सेना है, मैं भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी होम टाउन भागलपुर ही है। मैंने अपनी जितनी भी एजुकेशन है वो भागलपुर से ही कंप्लीट की है। मैंने 10th गुरुकुल हाई स्कूल से और 12th इंटरमीडिएट साइंस से भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। इसके अलावा ग्रेजुएशन मैंने तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर से कम्प्लीट किया। अभी मैं ईस्टर्न रेलवे में डानकुनी स्टेशन पर कार्यरत हूँ। मैं आपसे शशिकांत से कुछ और सवाल करना चाहूँगा कि सरकारी सेवा के अलावा आप क्या क्या करते हैं। एक्चुअली सरकारी सेवा के अलावा मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का खुद से ही प्रिपरेशन करता हूँ। आप अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सा एग्जाम को पास किए हुए हैं? अभी हाल फिलहाल में मेरा BSSC इंटर लेवल, इसके अलावा बिहार दरोगा BPSC का प्री हुआ था। ये सारे मेरे अभी हाल फिलहाल के रिजल्ट थे। अच्छा, मैं अगला सवाल करना चाहूँगा कि आपने कौन कौन सा एग्जाम निकाले थे जो क्लियर नहीं कर पाए थे, फाइनल में नहीं हो पाया था आपका, कुछ बताएं पीछे के एग्जाम के बारे में। मैंने बहुत सारे एग्जाम प्रीवियसली मैंने क्रैक किए थे जिनमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जैसे BSSC ग्रेजुएट लेवल का, सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का था, उसका मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया हुआ था, लेकिन कुछ मार्क्स की वजह से, दो चार मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसके अलावा मैंने TCCC का एग्ज़ाम दिया था, उसको मैंने क्रैक किया था, मेंस में हुआ था, फिर वहाँ भी मेरिट लिस्ट में किसी कारण से नहीं हो पाया था। इसके अलावा मैंने NTPC का एग्ज़ाम दिया हुआ था तो उसमें मेरा SM का पोस्ट मिला हुआ था, फिर वहाँ पे फिजिकल आई प्रॉब्लम के होने की वजह से मेरा वहाँ पे भी नहीं हो पाया था। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस करने के कारण मेरा बहुत सारा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया था। जैसा कि आपने बताया कि आप BPSC, BSSC, BSI और रेलवे में NTPC और TC अनेक सारे एग्जाम निकाले हैं, इन सारे एग्जाम को क्रैक करने का आपने क्या रणनीति अपनाया है? मेरा शुरू से मेरा कोई गाइडलाइंस नहीं था जिसके कारण प्रॉब्लम बहुत मुझे फेस करना पड़ा था। तो बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे बेसिक यही है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, उनको स्टडी कीजिए, उनके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने फिर उसी तरह से पैटर्न को समझने का कोशिश किया कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन की पूछने की संभावना है, क्योंकि एग्ज़ाम में उन्हीं क्वेश्चन को अगर ट्राई करते हैं हम लोग पहले ही कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और कम मेहनत में हम लोग एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि आपने जो यह अनुभव है, यह अनुभव को शेयर करने के लिए और जो छात्र को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है इनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? यूट्यूब पर आपने कैसे आए? तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो इसी बीच मैंने देखे बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो कि यूट्यूब पे जो है अपना एजुकेशन दे रहे हैं और बहुत अच्छा दे रहे हैं, और बहुत सारे मैंने ऐसे यूट्यूबर को देखा जो कि नॉर्मली ऐसे ही आते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं। तो मेरे मन में अक्सर इस तरह का सवाल आता था कि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं वो तो मैं बुक में भी पढ़ सकता हूँ, तो फिर ये इस यूट्यूबर का, किसी एजुकेटर का क्या मतलब हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी तरफ से कोई पहल किया जाए। तो मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया, जो प्रॉब्लम मैं फेस किया था मेरी ज़िंदगी में, मेरे लाइफ स्टडी के समय में, मैं सोच रहा था उसको स्टूडेंट की लाइफ से थोड़ा दूर कर सकूं, क्योंकि टीचर उसी समय काम के हैं जब आपके वो डॉट्स को या फिर प्रॉब्लम को आपको क्लियर कर सकें। नॉर्मली आके कोई भी टीचर आके कुछ भी अगर पढ़ा दे, अगर चला जाए पढ़ा करके, तो कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जो डाउट्स हैं वो कभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी कारण से मैंने सोचा कि मैं कुछ
फैक्ट को, जो भी क्वेश्चन हो उसमें फैक्ट को जोड़ता चलूँ, उससे रिलेट करता चलूँ। और इसी के ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल क्रिएट किया GK2020 के नाम से, जो कि मैं अभी रन कर रहा हूँ। आपने जो यूट्यूब चैनल बनाया, आपने यूट्यूब चैनल का नाम GK2020 ही क्यों सोचा और क्यों दूसरा नाम क्यों नहीं रखा? मैं सोच रहा था कि छोटा सा एक वीडियो बनाऊं जिसमें 20-25 क्वेश्चन हो, तो मैंने ऐसे GK2020 का मेरे दिमाग में आया कि 2020 जैसे मैच होता है, आए खेले और निकल गए, मतलब फटाफट में आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट जैसे देते हैं, उसी तरह से मैंने सोचा कि जल्दी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि नाम भी है कि जो कि याद रखना आसान होता है, साथ ही आपको एक छोटे से वीडियो में बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड में कर सकूंगा, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसका नाम GK2020 रखा था। आपका कहना हुआ कि आपका चैनल बहुत कम समय में बहुत सारे अधिक जानकारियों को देने का काम कर रहा है, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपके चैनल का क्या खास बात है जो कि दूसरे चैनल से आपके चैनल को अलग करता है? तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी एजुकेटर का काम होता है कि क्वेश्चन को इस तरह से डील करे ताकि स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके, उनके कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो मैंने अपने वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में ट्राई किया, कोशिश किया है कि उन क्वेश्चन को शामिल करूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं उनको भी दूर कर सकूँ। जैसे मैं शुरू से ही पढ़ता आ रहा था कि भारत का ऊंचा चोटी, उसके अलावा कई बार कंचनजंगा पढ़ता था, कई बार K2 पढ़ता था, तो मेरी समझ में नहीं आता था आखिर ये किस तरह का है। कई कई एग्ज़ाम में पूछ दिया कि भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है, कई बार पूछते हैं भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो समझ में नहीं आता ये आखिर क्या मतलब है। अक्सर हमको रटना पड़ता था और अक्सर भूल जाते थे और एग्ज़ाम में दे दिया तो कंफ्यूज कर जाते थे। तो मैंने इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को उसमें डील करने का कोशिश किया है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। वायसराय कैसे किनको कहते हैं, गवर्नर जनरल क्या है, गवर्नर क्या होता है, उसी तरह से और भी साइंस के हैं, बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जिनको मैंने डील किया है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि छोटा सा है कि दक्षिण भारत की गंगा या फिर दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, मैक्सिमम लोग इस बात को कंफ्यूज करते हैं और अक्सर ये याद कर लेते हैं कि जिसमें की रहेगा उसको बोल दो दक्षिण भारत की गंगा की है तो कावेरी लगा दो, दक्षिण भारतीय गंगा तो गोदावरी लगा दो, लेकिन उसके बारे में कोई फैक्ट, इसके बारे में कोई बताता नहीं है क्योंकि बहुत ही कम इसका सोर्स अवेलेबल है। और YouTube पे तो मैंने बहुत सारे देखे लेकिन इसको कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो मैंने ट्राई अपने में वीडियो में यही किया है कि उन क्वेश्चन को शामिल करें जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना कि फालतू क्वेश्चन को, हल्का फुल्का क्वेश्चन को शामिल कर लें जो कि किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने में कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इसमें उन क्वेश्चन को शामिल करो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो और कन्फ्यूज़न हो उसको दूर कर सकूँ। इसीलिए मेरा चैनल औरों से काफ़ी अलग है और ये मैंने चैनल सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जो खास करके पढ़ाई के क्षेत्र में या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी कन्फ्यूज़न को कम से कम रखें, जितना कम करेंगे आपके पास करने की कैपेसिटी या फिर जो है वो बढ़ जाएगी। मैं यह भी आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन को हम लोग याद करते हैं, जिसे हम याद करके भूल जाते हैं और एग्जाम में कन्फ्यूजन में गलत मार पाते हैं, उस क्वेश्चन का आप जो फैक्ट्स, आप जो उसके मूल बात तथ्यों को सामने रखते हैं, ये मूल तथ्य आप लाते कहाँ से? क्योंकि मैंने देखा है आपके वीडियो में कि वो जो भी आप बता रहे हैं वो किन्हीं किताबों में मुझे नहीं मिला है आज तक पढ़ाई के दौरान, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सारे फैक्ट्स आप कहाँ से लाया करते हैं? देखिए, एक्चुअली जो भी हम लोग बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पढ़ते हैं वो एक तरह का नोट्स है, क्लास नोट्स तरह समझिए, जहाँ कि आपको विस्तृत तौर पे आपको कोई भी चीज़ नहीं समझाया जाता है। तो इसको अगर आपको समझना है तो वो या तो कोई एजुकेटर ही समझा सकता है या फिर आपको बहुत सारे रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे बुक्स में या फिर आपको इंटरनेट पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा तभी आपको मिल सकेगा। नॉर्मली आप सोचिएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपको ये किसी भी बुक्स में इसको क्लियरिफिकेशन नहीं, क्योंकि ये क्लियरिफिकेशन अगर देगा तो बुक्स, छोटी सी बुक बहुत ही मोटी हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर सिर्फ फैक्ट दे दिए जाते हैं और इसी कारण से हम लोग फैक्ट रटते रहते हैं और हमेशा कन्फ्यूज़न होते रहता है कि क्या हुआ। इसीलिए हम लोग कुछ भी
लगा करके उसको याद करने की कोशिश करते हैं और अक्सर भूलते भी हैं और अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है और हम लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे फिर क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाने में आपको कितना समय लग जाता है और कितना मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने में? एक्चुअली आपको रियली बता तो इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। आपको बताया कि किसी भी चीज़ का फैक्ट ढूंढने के लिए, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में, एक बुक में आपको ये सारे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए मुझे बहुत सारे बुक्स को देखना पड़ता है, साथ ही इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। और इन सब चीज़ों में छोटे से 10-15 मिनट की वीडियो को बनाने में मुझे करीब करीब उनके फैक्ट को ठीक से पता करने में, उनको समझने में और उनको समझाने के लिए मिनिमम, अगर एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। एडिटिंग करना है, थोड़ा सा अपलोड करने में समय लगता है, तो 3 से 4 घंटे का मिनिमम समय लगता है ये 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाने में। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम है बिहार SI के और बिहार SSC मेंस के, तो आपका चैनल उन छात्रों के क्या सहयोग कर सकता है जो भी बिहार SI और बिहार BSSC मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट किया है, इसका जो बेस है, अभी जो मेरा बेस है वो ल्यूसेंट बुक है। ल्यूसेंट बुक को ही मैं इसमें डील कर रहा हूँ, क्योंकि ल्यूसेंट बुक एक ऐसा है, नोट्स है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बेस जो है ल्यूसेंट बुक को बनाया है, साथ ही उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को जोड़ा है जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो। और वैसे क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं और रिपीट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी को लेकर के मैं बनाया हूँ। तो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे BR SSC हो या फिर बिहार दरोगा हो, अगर वो बेसिक, अगर वो कम समय में अच्छा चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे आकर के छोटा सा वीडियो में ही बहुत सारे, एक छोटा सा 15 मिनट की वीडियो में मैं 30 से 40 क्वेश्चन को बताता हूँ, उसके नॉलेज को बढ़ाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि अभी जो भी छात्र ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, वो ऑनलाइन तैयारी कैसे करें और कहाँ से अपना समय को बचाएं और समय को बर्बाद ना करें, और कहाँ से वो समझें कि वो अच्छी कंसेप्ट को, अच्छा कंसेप्ट और अच्छा मटेरियल को प्राप्त कर पा रहे हैं? देखिए, ऑनलाइन स्टडी आजकल ऐसा हो गया है जैसे कि फेसबुक पे कोई मूवी देख रहे हैं। एजुकेशन कभी भी इंटरटेनमेंट का नहीं हो सकता है कि आप जो है एक वीडियो चला लिए और आप देख लिए और वो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा सोचता है वो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और मूर्खता है। हम लोग जब भी अपने स्कूल या कॉलेज या फिर जहाँ भी जाते हैं तो हम अपना एक क्लास नोट्स लेकर के जाते हैं कि जो भी टीचर बताते हैं, और अगर कोई फैक्ट अगर इम्पॉर्टेंट लगता है, अगर हमें नहीं पता है, तो उसे हम लोग नोट्स करते हैं ताकि उसे हम लोग रिवाइज कर सकें बाद में। लेकिन हम लोग अभी देखते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी, चाहे किसी भी यूट्यूबर का आए वीडियो, अच्छा हो या फिर नॉर्मल हो, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट के तौर पर देख लेते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है। आपका समय बर्बाद होगा और आपका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो YouTube से, किसी भी चैनल से आप पढ़िए, आपको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से ये है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो को देखने के दौरान अपने पास एक पेन और पेपर रखिए, एक नोटबुक रखिए, जो भी आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उसको उस नोटबुक में नोट कीजिए और बीच बीच में उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं आज है याद और 2-4 दिन के बाद वो हम भूल जाएंगे, और ऐसे अगर भूलते रहेंगे तो फिर हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। एक तरह से घड़ा सोचिए जिसमें पानी तो हम लोग डेली भर रहे हैं लेकिन वो पानी बह रहा है, इसलिए उस घड़े को हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके जितने भी है जिससे कि लीकेज है उसको भरना है। तो ये लीकेज इस तरह का है कि आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, और रिवाइज तभी होगा जब आपके पास कोई नोट्स होगा। इसीलिए किसी भी यूट्यूब चैनल को आप अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ उसको नियमित फॉलो कीजिए और उसको नोट्स तैयार कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। कम समय में आपको यूट्यूब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे एक नहीं बहुत सारे एजुकेटर हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं और बहुत ही मेहनत करके लाते हैं पढ़ाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि अभी बिहार SI और BSSC मेंस की छात्र बहुत सारे प्रिपेयर करके, उनका एक मार्गदर्शन बताएं वो किन किन बुकों से तैयारी करें, और मैं मानता हूं कि आपका YouTube चैनल के पे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और वो क्या क्या बुक को भी सेल्फ स्टडी करें जिनसे उनकी सफलता को चरम पे सीमा पे जाए और वो सफल हो पाए। देखिए, शॉर्ट टाइम में तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं
तो उसके लिए है कि आप कोई भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, जैसे BR SSC या, तो उसके पहले सबसे पहले आपको उसका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न उसको समझना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि उसका लेवल मॉडरेट है तो आपको कोशिश करना है कि मॉडरेट लेवल का जो भी GK है उसको याद करें, उसको रिवाइज़ करें। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का, रेलवे का ही हो तो वो क्वेश्चन BSSC हो या फिर BR SSC हो, किसी में भी वो रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है ल्यूसेंट बुक, जो आपका सबसे बेस है, तो ल्यूसेंट बुक को स्टडी कीजिए बहुत ही बारीकी से, बहुत ही हो सके तो कोशिश कीजिए उसको एकदम अच्छे से करें। और उसके लिए आप चाहें तो मेरे यूट्यूब पे थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको मिनिमम मैंने कोशिश किया है कि 40-50 क्वेश्चन को आपको GK का नॉलेज दे सकूं। तो आप लूसेंट बुक यूज़ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज़ कीजिए, और उसके अलावा आपके पास जो भी बुक हो उसके अनुसार, जो भी आपके बुक हो उसके अनुसार आप लोग प्रिपेयर कीजिए, उसी को बेस बनाइए। मैं चाहूँगा कि आप जाने से पहले एक चीज़ बता दें कि आने वाले समय में आप अपने छात्रों के लिए क्या करने जा रहे हैं। मैं अपने YouTube चैनल पर कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी बेस हैं, बेसिक्स बुक्स जितने भी हैं उसको मैं कंप्लीट करूँ। पहले तो सबसे पहले मैं ल्यूसेंट को कंप्लीट करूँगा, उनके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको MCQ के फॉर्म में या फिर वन लाइनर के फॉर्म में क्रिएट करके YouTube पे डालूंगा, जिससे कि वो समझने में, स्टूडेंट को समझने में भी बहुत मुश्किल ना हो और साथ में वो प्रिपरेशन भी आसानी से और अच्छे से कर सकें। साथ ही मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं YouTube पर उन सारे क्वेश्चन को कलेक्शन करूं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और या फिर पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी, आपने इतना समय, कीमती समय दिया और इतने छात्रों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और पढ़ते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा आपको जितना हो सके हेल्प कर सकूँ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे YouTube पे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।